हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मेरे पास आ चुकी है अब FMS की एक और नई कार, जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज यूनिमोग। ये 1966 स्केल मॉडल पे बेस है। ये 1:24 स्केल में है। ये तीन कलर में आता है, ठीक है, ग्रीन, ग्रे और रेड। मैंने इसको रेड में मंगाया है। आप इसको ग्रीन और ग्रे में, दोनों में से किसी भी मंगा सकते हैं। आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए हमें इसे खोलना पड़ेगा। आइए खोलते हैं इसको और देखते हैं क्या है इसमें। ये रहा, शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या होता है, पर एक किताब होती है और कुछ नहीं। ये इसकी मैनुअल गाइड है, जिसके अंदर इसके पार्ट्स की डिटेल, इसको बाइंडिंग, इसकी बैटरी, सारी जानकारी है इसके एक एक पार्ट्स की। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आई थिंक उल्टा है, ऐसे खुले हुए, सॉरी। हाँ, सबसे पहले इसकी एक्सेसरी, जिसमें ये चार्जर, ये शॉकर रिंग्स, शॉकर की फ्लेक्सिबिलिटी को कम और ज्यादा करने के लिए। ये स्टिकर्स, नंबर प्लेट, नहीं स्टिकर्स है, ये बाद में लगाएंगे। और एक आता है ये हेक्सा टू, इसके व्हील, रेंज और इसका ड्यूल स्पीड गियर बॉक्स को खोलने के लिए, जो मैंने आपको पहले देखा। ये भी हम कर देते हैं सब कुछ साइड। और इसमें भी कुछ रखा हुआ है, ये वही QC क्वालिटी चेक कार्ड, QC क्वालिटी चेक कर लीजिए, क्वालिटी सेटिंग फाइट कह लीजिए, एड होती है फुल। ये रिमोट, ये रिमोट मेरे FCX24 K5 ब्लेजर जैसा है और ये डिट्टो वैसा ही है। स्टीयरिंग नॉब, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, चलिए इसके बारे में भी हम बताएंगे। और इसके बाद आता है ये ट्रक, ये है वो मर्सिडीज का। I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. शुरू करते हैं इस मिनी ट्रक के बारे में बात करते हैं। ये 1:24 स्केल का क्राउलर ही है, मर्सिडीज का है, ऑफिशियल लाइसेंस्ड है, इसीलिए इसमें ये मर्सिडीज की बैजिंग है ऑफिशियल लाइसेंस होने के कारण। एक नंबर प्लेट ये रही, ठीक है, नंबर प्लेट हो गई। इंटीरियर हो गया, इंटीरियर भी अच्छा खासा बना रखा है। ये रेयर व्यू मिरर, एग्जॉस्ट पाइप, ये लाइट डमी है, ये काम नहीं करती, ठीक है। ये इसका कंपार्टमेंट, ये यूं खुल जाता है,
ऐसे खींचो, पीछे से यूं खुल जाएगा, ये पार्ट भी अलग हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसको वापस से पैक करेंगे और इसको यहाँ ऐसे टाइट करेंगे। पीछे एक नंबर प्लेट है, ये पीछे भी लाइट्स हैं, पर पता नहीं ये काम करती है नहीं करती। देखते हैं, अगर ये काम नहीं भी करती होगी तो मैं इसको अपग्रेड कर दूंगा, अपनी FCX24 की तरह लाइटें ऑन कर दूंगा, ठीक है। इसके टायर ऐसे हैं जैसे ट्रैक्टर के पीछे रेयर व्हील होते हैं। पहले के समय में सड़क नहीं होती थी, तो शायद उस वजह से इसको ऑफ रोडिंग बनाया गया है, ठीक है। ये इसका सर्वो, हो गया। ये एक गियर है, ये ड्यूल ट्रांसमिशन है, तो एक सर्वो ये लगा हुआ है जो गियर को शिफ्ट कराता है। तो गियर को शिफ्ट कराने के लिए ये सर्वो काम करता है, ये लगा हुआ। ये ड्राइव शाफ्ट प्लास्टिक की है, ये ड्राइव शाफ्ट एक रियर व्हील में कनेक्ट हो रही है और एक फ्रंट व्हील है। ये लाइसेंस प्रोडक्ट है, रेडी टू रन है, 2 स्पीड इसमें ट्रांसमिशन है, हार्ड बॉडी है, ठीक है। और इसके जो ये एक्सल है ना, ये मेटल के हैं। ये जो इसके अंदर होंगे, और ये इसके मेटल के हैं। ये चीज मेटल है, ये प्लास्टिक है, ये मेटल है। तो चलिए इसमें बैटरी इंस्टॉल करते हैं और फिर देखते हैं। इससे पहले हम इसके रिमोट के बारे में भी जान लेते हैं। गाड़ी को रखते हैं साइड, इसका रिमोट 4 AAA लगेंगे इसमें, जो कि मैं पहले से रेडी रखता हूँ। 1 लग गई, ये चैनल 3 गियर शिफ्ट करने के लिए, स्टेरिंग, इस डिट्टो K5 ब्लेजर है ये, फॉरवर्ड बैकवर्ड, रिमोट में वही ट्रिमिंग करने के लिए, थ्रॉटल ट्रिमिंग करने के लिए, बाइंड ये लाइट का होगा, ये रिवर्स, इसमें ये चीज रिवर्स हो जाती है, ठीक है। कोई लेफ्ट या राइट ही होता है तो उसके हिसाब से जाती है। ये ऑन ऑफ स्विच पावर का, तो पावर ऑन करते हैं, ऑन हो गई। अब ये इसको मांग रहा है, अब हम मर्सिडीज के ट्रक को ऑन करते हैं, इसकी बैटरी यहाँ डाली जाए। इसको कनेक्ट करेंगे, ये स्विच ये ऑलरेडी ऑन है। ये हटा देते हैं, सो ये कनेक्ट हो गया। ये देखिए, इसकी पन्नी रिमूव करते हैं, इसकी पन्नी लाइट चेक करते हैं, इसकी लाइट कौन सी जलती है। ये है इसका लाइट का बटन, अच्छा हेडलाइट काम कर रही है इसकी। और दोबारा दबाते हैं तो बंद, मतलब, और पीछे पीछे भी कुछ जल रहा है इसके, देखते हैं। नहीं, तो रिवर्स करने पे चलती है, देखें। नहीं,
तो बस इसमें ये बस फ्रंट की ही लाइटें हैं, ये वाली, यही हेडलाइट है इसकी, और कोई लाइट नहीं है इसमें। इसको ऑन बंद करने के लिए यही स्विच है, एक बार दबाएंगे तो ऑन, दूसरी बार दबाएंगे तो ऑफ। ठीक है, ये थ्रॉटल, ये अभी ये न्यूट्रल खड़ी है। अब हम इसको डालते हैं फर्स्ट गियर में। अब फर्स्ट गियर में देखिए डालेंगे तो इसमें इसका ये काम करता है, ये देखिए, ये मैंने डाला इसको, फर्स्ट, ये देखिए, ठीक है। अब इसको डालेंगे फर्स्ट में, फर्स्ट गियर पे ये स्लो काम करता है, और इसकी गियर को शिफ्ट करेंगे सेकंड, ये फास्ट हो जाता है, मतलब ये फास्ट गियर, और इसकी फर्स्ट गियर में ये क्राउलिंग करता है। तो ये है इसका फर्स्ट गियर क्राउलिंग वाली हाई स्पीड गियर। अब ये न्यूट्रल कर लिया। तो ये है गाड़ी, आपने गाड़ी की डिटेल देख ली सारी, ये मैंने बता दिया आपको गाड़ी के बारे में। ठीक, ये है कार। लाइट में इसकी सिर्फ हेडलाइट ही काम करती है। कार नो डाउट अच्छी है। इसको कंपैरिजन करने के लिए मैं अपनी दूसरी कार लाता हूँ जो 1:24 की है, मेरी 1:24 की K5 ब्लेजर। अब आप देखिए इसमें और इसमें कंपैरिजन करके, साइज में दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं। मुझे लगा था कि ट्रक बड़ा होगा, पर ट्रक भी ऑलमोस्ट सेम ही है। मैंने इसमें आपको एक शॉट दिखाया था जिसमें मैंने इसकी टेल लाइट को अपग्रेड किया था। तो जैसे इसकी टेल लाइट, पहले इसकी टेल लाइट जलती थी, इसकी भी सिर्फ ये हेडलाइट जलती थी ये दोनों, पर अब इसकी टेल लाइट भी जलती है। वैसे ही मैं इसको भी, इसकी भी टेल लाइट कनेक्ट कर दूंगा ताकि इसकी भी टेल लाइट जले साथ में हेडलाइट के, तो थोड़ा बेटर लगे। तो ये भी FCX 124 स्केल पर है, और ये भी चेसी दोनों की सेम ही है। ये देखिए दोनों सेम चेसी पे हैं, बस टायर का थोड़ा सा फर्क है। ये भी ड्यूल स्पीड गियर है, ड्यूल ट्रांसमिशन में आती है, और ये भी डबल ट्रांसमिशन में आती है, बस टायर का फर्क है, और ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं टायर की ग्रिपिंग का। और ये 1 इंच के टायर हैं K5 ब्लेजर में, ये हो सकता है 1.5 या 1.2 के हों, 1.2 इंच के टायर में। ये भी बैड लॉक व्हील है, और ये भी बैड लॉक व्हील है, दोनों ही बैड लॉक व्हील में आते हैं, तो बीड लॉक व्हील दोनों ही हैं, बाकी अच्छा है। अब मैं इसके थोड़े से शॉट डाल दूंगा, रनिंग शॉट, वो देखिए आप और इंजॉय कीजिए। ठीक है, सो ये थी मर्सिडीज बेंज यूनिमो, जिसकी मेरे को आपको अनबॉक्सिंग डिटेल देनी थी। तो मेरे को तो काफी अच्छी लगी, और मुझे रेड कलर चाहिए था क्योंकि मुझे रेड ना थोड़ा ज्यादा ही पसंद आता है, इसलिए। और रेड, ब्लू, ये सब कलर जो होते हैं ना, ये थोड़े आई कैचिंग कलर होते हैं, और मुझे ना कलर वही पसंद आता है जो आई कैचिंग है, जिसको देख के सब लोग बोलें। तो ये है वो दो गाड़ियां जो मेरे पास FCX 24 में है, 1:24 दोनों में सेम चेसी है, सेम ड्यूल स्पीड ट्रांसमिशन है, ये भी FMS की है, ये भी FMS की है, ये भी विंटेज है, ये भी विंटेज है, क्योंकि 1966 का है, ये 1970
समथिंग की है, बाकी मैं इसके स्टिकर लगाऊंगा। ये थोड़ी ज्यादा बाउंसी है, ये ऑयल फिल्ड शॉकर है, मेटल के इसके गियर्स हैं, ये सारी चीजें। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर कोई भी इस वीडियो के बारे में कोई भी आपके क्वेश्चन हो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, उसके और जवाब आपको दूंगा। इंजॉय कीजिए आप इसके रनिंग शॉट, मैं इसके रनिंग शॉट डालता हूँ। थैंक यू।